जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मंडला का भाग हमने लिया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 121वां अध्याय और उसका पहला वचन। वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा वचन अद्भुत है, तेरा ज्ञान अद्भुत है परमेश्वर, और तूने हमें बताया कि हमें किस ओर देखना है, हमें क्या करना है, सहायता मांगने से पहले हमें क्या करना है, कौन सी परिस्थितियां हमारे जीवन में कैसी भी घटे लेकिन हमें अपनी आंखों को कहां उठाना है, परमेश्वर की ओर। परमेश्वर कहां है? उस स्वर्ग में बैठा हुआ है, हालेलुया, परमेश्वर वहां है, और इसे हमें अपनी आंखें पर्वत की ओर उठानी है। और भजनकार कहता है कि मेरी सहायताएं वहीं से आती हैं, पर्वतों से, उस ऊंचाई से, उस स्वर्ग से, उस घर से जहां मेरा पिता विराजमान है। हालेलुया, देखिए बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें अपने शरीर के अंगों का कैसे इस्तेमाल करना है। हम चर्च, हम उसके अंग हैं। चर्च क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और हम क्या है? उसके अंग हैं। हमारा सर कौन है? यीशु मसीह है। इसलिए हमें ऊपर देखना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, हमें हमेशा उसकी ओर निहारना है, हमें संसार की ओर नहीं देखना है, हमें इधर उधर नहीं ताकना है। दोस्तों याद करिए, अगर आप इधर उधर ताकेंगे, अगर आप सोचेंगे कि आपकी सहायता करने वाला आपका पड़ोसी है, आपकी सहायता करने वाला आपका रिश्तेदार है, आपकी सहायता करने वाला आपका दोस्त है, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने मन में ठान लिया कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी, मेरी सहायता यीशु मसीह से आएगी, तो आप आशीष पाएंगे। क्या किया था दाऊद ने? दाऊद ने क्या किया था? जो परमेश्वर का चुना हुआ था, उसका अभिषेक था, लेकिन दाऊद ने इधर उधर ताकना शुरू किया और उसने गुनाह किया, उसने घना गुनाह किया, उसने पाप किया। आप सब जानते हैं उस कहानी के वाले लिया, उसने पाप किया, उसने घनघोर पाप किया। इसलिए हमें पाप नहीं करना, हमें पाप से निकलना है। इसलिए परमेश्वर कहता है, अगर तू पश्चाताप करे तो पर्वत की ओर देख, अगर तू क्षमा मांगे पर्वत की ओर देख, आनंद मना पर्वत की ओर देख, धन्यवाद कहे तो पर्वत की ओर देख, हालेलुया, क्षमा मांगे माफ करे पर्वत की ओर देख। हमें पर्वत की ओर निहारना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, हर काम शुरू करने से पहले और हर काम शुरू करने के बाद हमें परमेश्वर की ओर देखना है, हमें धन्यवाद देना है और प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के करीब आना है। हालेलुया, मसीह ने लाजरस को चंगाई दी, यीशु मसीह ने लाजरस को मुर्दों में से जिलाया, उससे पहले परमेश्वर ने, उससे पहले यीशु मसीह ने पर्वत की ओर देखा। 5,000 लोग यीशु मसीह के सामने थे, हालेलुया, उसने पर्वत की ओर देखकर, स्वर्ग की ओर देखकर, परमेश्वर की ओर देखा और प्रार्थना की, हालेलुया, और 5,000 लोगों को उसने रोटी खिलाई, हालेलुया। हमें भी अपने जीवन में, हमें भी अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी दुख हो, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, हमें ऊपर देखना है, हमें पर्वत की ओर निहारना है, क्योंकि हमें सहायता वहीं से मिलेगी। इसलिए बाइबल में हमें बताया गया है पौलुस ने कि अपने शरीर को पवित्र करो और उसका सही उपयोग करो, उसके अंगों का सही उपयोग करो। हमें आंखें उठानी है पर्वत की ओर, हमें अपने हाथ उठाने हैं पर्वत की ओर, हमें अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाना है और बताना है कि हम तेरे बिना कुछ नहीं है, और समर्पित करना है अपने आप को पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे ज्ञान से, पूरी शक्ति से कि परमेश्वर हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है। मूसा जब अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा था, तो उसने यहोशू से कहा कि यहोशू जा और अपने चंद चुने हुए कुछ लोगों को जा लड़ाई कर, और मैं हाथ उठाता हूं। और बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ेंगे इसे, अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन 17:11 में, तो जब तक यीशु मसीह अपने हाथों को, जब तक मूसा अपने हाथों को उठाए रहा, तब तक अमालेकी हारते रहे, और जैसे उसका हाथ नीचे हुआ, अमालेकी जीतना शुरू हो गया। हालेलुया, फिर उसने हाथ उठाया। हालेलुया, हमें अपने हाथों को कब उठाना है? परमेश्वर की ओर। हमें अपने हाथों को हर समय परमेश्वर की ओर उठाना है। हमें अपने घुटने देखने हैं परमेश्वर के लिए, हमें बुद्धि मांगने के लिए घुटने देखने हैं, हमें समर्पण के लिए घुटने देखने हैं, हमें आजादी के लिए घुटने टेकने हैं, हमें उससे प्यार करने के लिए अपने घुटने देखने हैं। हालेलुया, हमें याद करना है कि वही है, क्योंकि याद करिए, उसने हमारी आत्मा को जिंदा किया है, उसने हमारे मन को नया किया है, लेकिन हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ है। इसलिए हमें अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के अनुसार चलाना है, हमें शरीर के अंगों को, हमारा चाल चलन परमेश्वर के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह हैं, हम चुने हुए हैं। इसलिए दोस्तों विश्वास करिए और हमेशा याद करिए कि हम किसी भी स्थिति में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हम अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाएंगे, हम अपने हाथ प्रभु के ओर जोड़ेंगे, हम अपने घुटने परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे और उसे याद करेंगे और उससे बुद्धि ज्ञान और शक्ति मांगेंगे। आइए हम मांगते, पिता परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है, सुनने वाले और देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष सुख और चंगाई मांगता हूं, ताकि हम तेरे बने रहें और हमारी आंखें हमेशा तुझ पर
लगीर हैं, क्योंकि तू ही हमें सहायता देने वाला है, तू ही हमारा निगहबान है, तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा प्रोवाइडर है। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।